एसर ने भाई अपना प्रेडिटर्स लॉन्च कर दिया है 2024। भाई ये लैपटॉप भाई काफी तगड़ा लैपटॉप होने वाला है। 4900HX प्रोसेसर इसमें आपको देखने वाला है और RTX 4070 ग्राफिक कार्ड। भाई साहब नेक्स्ट लेवल। 2023 वाला प्रेडिटर था ना, उसका डिजाइन इससे काफी अलग है, एकदम स्ट्रिक्स G16 वाली फीलिंग आ रही है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ये वाले लैपटॉप और जो 2023 वाला प्रेडिटर था ना, दोनों की जो है सेम प्राइसिंग आपको अमेजोन पे देखने को मिलेगी। क्योंकि यार मेरे हिसाब से अमेजोन पे भी सेम ही स्पेक्सिट है, स्पेक्सिट आपको हर जगह मिल जाएगी, तो उसका दिखाने का कोई मोटिव नहीं बनता। बल्कि मैं उसका एक चार्ट लगा दूंगा, आप देख लेना उसको। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइनिंग की अगर मैं बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भाई काफी नेक्स्ट लेवल इसको बना रखा है। टॉप लिड मेटल की देखने को मिलती है, बाकी जो कीबोर्ड बेस है वो पॉलीकार्बोनेट है और जो बॉटम है वो भी पॉलीकार्बोनेट है। बट डिफरेंस ये है कि जो कीबोर्ड बेस है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है बॉटम के मुकाबले। डिजाइनिंग की अगर बात करूँ तो भाई टॉप लिड में काफी अच्छे ढंग से इन्होंने लोगो इनग्रेव करा रखा है, वो मुझे काफी नेक्स्ट लेवल लगा। भाई लोगो का कलर आप चेंज कर सकते हो सॉफ्टवेयर से, नाइट्रो सेंस या फिर प्रेडिटर सेंस, जो भी है एसर का ही है वो दोनों। इन्होंने ना लिड को काफी अच्छे गेमिंग एस्थेटिक्स दे रखे हैं, मतलब कोड्स वोड्स जो गेमिंग कोड्स हैं या फिर नंबर वगैरह लोगो ऐसी ऐसी चीजें लगा रखी है, इससे मतलब पूरा गेमिंग वाइब आ रहा है इस लैपटॉप में। आपको जो डिजाइनिंग है वो थोड़ा सा ग्लॉसी मिरर स्टाइल में देखने को मिलेगी और उसके अंदर नियो और 16 की ब्रांडिंग करी हुई है और काफी अच्छे से उसको डिजाइन किया हुआ है। इसकी डिजाइनिंग जो है नथिंग फोन की तरह ही है, जैसे नथिंग फोन में देखने को मिलता था आपको ट्रांसपेरेंटली अंदर देखने को मिलता है, लेकिन पूरी उसकी तरह भी नहीं है। इन्होंने उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर लगा रखी है, फिर जो है स्टाइलिंग बना रखी है, फिर जो है ग्लॉसी पैनल लगा रखा है, ये डिफरेंस है। एग्जॉस्ट वाइट टॉप नॉच दे रखे, पीछे से ऐसा लग रहा है जैसे मेटल के एग्जॉस्ट है लेकिन उसका डिजाइन वैसा करा हुआ है उनका। ये लैपटॉप जो है 2.8 kg का है और चार्जर वगैरह के साथ 3.85 kg का है, तो लैपटॉप भारी तो काफी है भाई, पर गेमिंग लैपटॉप है इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका इंच काफी स्टडी है, मतलब वॉबल बिल्कुल नहीं करता भाई, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी सही है इसका। इसका कीबोर्ड जो है 100% वाला ही है, बाकी 4-zone RGB बैकलाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एडिशनली इन्होंने भाई कोपायलट का बटन यहाँ पे दे रखा है, जिसे आप प्रेस करके इजीली कोपायलट को एक्सेस कर सकते हो, वरना जो पुराने लैपटॉप हैं उनके जो टास्क बार में ये वाला ऑप्शन मिल जाता है वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। कीबोर्ड की जो RGB है उसे प्रेडिटर सेंस से आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, आपको कोई भी स्टाइल चाहिए वहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ट्रैक पैड जो है मीडियम साइज का है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है, इजीली आप काम कर सकते हो। लेकिन इन्होंने जो है ट्रैक पैड को थोड़ा सा लेफ्ट में एडजस्ट कर रखा है, किसी किसी को टाइपिंग करने में दिक्कत आ सकती है जो पाम रेस्ट लेके ही टाइप करते हैं, बाकी जो विदाउट पाम रेस्ट के टाइपिंग करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो भाई पाम रेस्ट लेके ही करता हूँ। और एसर वालों के लिए एक एडवाइस मेरी तरफ से भाई, तो इसका टाइपिंग एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए आप इसका जो ट्रैक पैड है उसको सेंटर में एडजस्ट कर सकते हो, जिससे मतलब टाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो भाई कमाल की बात है इस लैपटॉप में, इसमें आपको 2K डिस्प्ले देखने को मिलती है, वो भी 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो के साथ, जिसमें आपको वर्टिकल स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है डिस्प्ले में, और भाई काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस रहता है डिस्प्ले का। IPS पैनल के साथ, जिससे मतलब व्यूइंग एंगल्स काफी सही रहने वाले हैं इसके। इन्होंने जो है 165Hz को चेंज करके 240Hz डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट दे दिया है भाई, अप्रॉक्स 500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस यहाँ पे देखने को मिलती है। आउटडोर यूजर्स में भाई ज़्यादा हार्श सनलाइट में आप यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन एक मीडियम जेंटल सनलाइट में आप इसे यूज़ कर सकते हो इजीली। अब जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक काफ़ी अच्छी बात यह है कि इसमें आपको काफ़ी अच्छे कलर गैमेट देखने को मिलते हैं। इसमें आपको 100% की sRGB कवरेज देखने को मिलती है, 88% की Adobe RGB कवरेज देखने को मिलती है और 88% की आपको NTSC कवरेज देखने को मिलती है। मतलब जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं कलर डिपेंडेंसी वाले ज़्यादा काम करते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, कलर ग्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, डाविंची वगैरह चलाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी सही रहने वाला है, काम इजीली हो जाएगा और एक एडिशनल मॉनिटर लेने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। ओवरऑल मैं कहूँगा कि यार डिस्प्ले के मामले में काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिलती है इसमें आपको, पर इतना प्राइस हम दे रहे हैं तो उस हिसाब से हमें मिलना भी चाहिए, सही है। एक चीज़ जो इसमें मेरे को बुरी लगती है वो है इसका भाई वेबकैम 720p। बताओ इतना पैसा पे करके हम 720p वेबकैम ले रहे हैं, अब भाई आ तो जाना ही चाहिए यार 1080p दे दो यार, जब इतना ही खर्चा आप करवा रहे हो तो थोड़ा सा 1080p दे दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और जैसे कि आपको पता ही होगा जब से AI वगैरह आ गया है तो AI स्टूडियो भी आ चुका है, जिससे आप मतलब कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल वगैरह कर रहे हो तो आप बैकग्राउंड को एकदम ब्लर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एकदम स्टूडियो वाली वाइब दे सकते हो,
लेकिन 720p वाले में कैसी वाइब आएगी भाई, वो तो ऐसा लगेगा जैसे फटाफटा सा है। तो लेफ्ट साइड से यहाँ पे RJ45 लैन कनेक्टर देखने को मिलता है, एक USB टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है। इस बार इन्होंने भाई यहाँ पे SD कार्ड रीडर भी दे रखा है। 3.5mm का यहाँ पे जैक देखने को आपको मिलता है। वहीं राइट साइड से आपको 2 USB टाइप ए पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। बाकी सारे पोर्ट्स आपको पीछे देखने को मिलते हैं। चार्जिंग पोर्ट मिलता है, HDMI वाला पोर्ट देखने को मिलता है, एक थंडरबोल्ट 4 वाला टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, एक आपको डिस्प्ले आउटपुट वाला पोर्ट देखने को मिलता है। ऑडियो आउटपुट की अगर बात करूं तो 2-2 वाट के आपको स्पीकर देखने को मिलते हैं। बेस इतना ज्यादा खास नहीं है इनका भाई, आवाज ज्यादा लाउड नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं है, आवाज एकदम ठीक ठाक है। बैटरी इसमें आपको 90 वाट आवर की मिलती है। बेसिक यूजेज में जैसे नॉर्मल वीडियो सर्फिंग वगैरह, 50% ब्राइटनेस और ऑप्टिमाइजेशन वगैरह ऑन करके तो आप इसमें आप 3-4 घंटे का बैकअप इजीली निकाल लोगे अगर आप नॉर्मल काम कर रहे हो। प्रोसेसर की बात कर लेते हैं, कोर i9 4900HX मिलता है इसमें आपको। कोर्स वगैरह जान के आप काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो, 24 कोर्स, 900HX भी तो है। और इसमें भी भाई 8 आपको परफॉर्मेंस वाले कोर देखने को मिलते हैं और 16 एफिशिएंसी वाले कोर देखने को आपको मिलते हैं। ये वाला CPU जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जिसमें मतलब आपको परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंसी वाले कोर्स मिलते हैं। दोनों ही आपको सेम एक ही आर्किटेक्चर में देखने को मिलेंगे और काफी ऑप्टिमाइज करे हुए हैं। और अगर कोई लाइट वेट वर्क होगा तो एफिशिएंसी वाले करेंगे, थोड़ा हैवी होगा तो परफॉर्मेंस वाले करेंगे। अगर ऐसा टास्क होगा जिसमें मतलब दोनों ही कोर्स की नीड है तो दोनों ही काम करेंगे। और ये रहे सारे बेंचमार्क्स। इसमें आपको भाई RTX 4070 वाला ग्राफिक कार्ड मिलता है, जो कि भाई 140 वॉट की TGP के साथ आता है। इसमें आपको 16GB की रैम देखने को मिलती है और जो इसकी रैम है वो 5600 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक रखी है। अभी तक जितने भी लैपटॉप हमने देखे थे उसमें आपको 5200 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक रैम मिलती है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली मिलती है। प्लस इसमें जो रैम है ना वो एक ही स्लॉट में है और वो भी 16GB, दूसरा स्लॉट खाली मिलता है। अप टू 64GB आप इसमें अपग्रेड कर सकते हो। मैं भी जो गेम टेस्ट आपको दिखाए ये 16GB थे, और अगर आप 32GB तक एक्सपेंड करते हो तो क्या पता आपको काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिले। और SSD की अगर बात करूँ तो इसमें आपको 1TB की SSD देखने को मिलती है सिंगल स्लॉट में। वैसे इसके 2 स्लॉट हैं, एक स्लॉट खाली है, इसमें आप अपग्रेड कर सकते हो। और मैक्स टू मैक्स जो है 4TB तक आप अपग्रेड कर सकते हो, क्योंकि एक स्लॉट में 2TB तो होना ही चाहिए मैक्स, तो 2 स्लॉट में आपको 4TB मैक्स अपग्रेड मिल जाती है। और SSD की रीड एंड राइट स्पीड 7000 MBPS तक जा रही थी, और अपग्रेडिंग वाला मामला काफ़ी तगड़ा ही है इसका। पहले इसके भाई प्रोज एंड कॉन्स सुन लो। इसमें आपको भाई काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मिलती है, इस हिसाब से यार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये चीज़ काफ़ी सही है। दूसरा, पावरफुल CPU और GPU का कॉम्बिनेशन मिलता है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहने वाली है इसमें, और डिज़ाइनिंग इसकी काफ़ी सही है। वहीं अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो इसमें आपको भाई वेबकैम अच्छा नहीं मिलता है, स्पीकर की क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक ही मिलती है, जबकि ये इतना महंगा है उस हिसाब से भी ठीक ठाक ही मिल रही है, थोड़ा सा बेटर मिलनी चाहिए जहां तक मेरे को लगता है। तीसरा, ट्रैक पैड जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट है और डिसेंट साइज़ का है, जबकि भाई ट्रैक पैड जो है वो सेंटर में एडजस्टेड होना चाहिए और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं तो डिस्प्ले इसकी काफ़ी सही है, जो कलर डिपेंडेंसी वाले काम करना चाहते हो ईजिली इसके साथ जा सकते हो, कोडिंग वोडिंग, बाकी फोटोशॉप, ब्लेंडर, प्रीमियर प्रो, दविंसी और ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर आप इजीली इसमें चला सकते हो। बाकी मेरे को भी जानना है कि यार आप क्या सोचते हो उसके बारे में, कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको कुछ नई चीज़ पता करनी है या फिर कुछ मालूम है जो मुझे बतानी है तो आप कमेंट कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।